हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कोफ्ते की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो मसाले में बिखर जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, लेकिन आज मैं इस मेथड से बनाऊँगी कि आपके कोफ्ते ना बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। मैंने ये ग्राइंड किया हुआ कीमा लिया है। अब हम कीमे में डालेंगे कुछ इन्ग्रीडियंट्स। ये ऐड कर रही हूँ मैं पिसे चने, और अब ऐड की है मैंने 3 से 4 हरी मिर्च कुटी हुई, और अब ऐड कर रही हूँ इसमें भुना जीरा, और अब ऐड कर रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और अब ऐड की है मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स, अब ऐड कर रही हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब ऐड की मैंने इसमें एक बारीक चॉप की हुई प्याज, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा नींबू का रस लगता है, इसलिए मैंने नींबू का रस ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और उसको हाथ से दबाकर कोफ्ते का शेप देते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, सारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। अब हम इनको डीपली फ्राई कर लेंगे। ये मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े थोड़े कोफ्ते। कोफ्तों के फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी और ये उससे ना तो टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। जैसे हम कोफ्तों को बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं, इसलिए हम इसको पहले से ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट बैच फ्राई हुआ है, ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोफ्ते हमारे अच्छे से भुन गए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से नींबू डालकर और प्याज के साथ या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसकी सब्जी बनाएंगे। जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल में हम ऐड कर देंगे लौंगे। 2 लौंगे ऐड की है मैंने, 1 मोटी इलायची ऐड की है, और अब ऐड कर रही हूँ इसमें जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटका लेंगे। मैं ज़्यादा खड़े मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे कोफ्ता करी। अब ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज। मैंने प्याज का पीस कर अच्छे से पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया था। अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ ड्राई मसाले। अब ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये धनिया थोड़ा मैंने मोटा मोटा सा लिया है क्योंकि इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और अब ऐड कर रही हूँ इसमें बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च। आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब ऐड कर देंगे हम इसमें कोफ्ते, जो हमने कोफ्ते पहले से ही बनाकर रेडी कर लिए थे, और अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है। आप मेरे मेथड से कोफ्ते ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे। मैं बहुत ही ईजी ट्रिक से बता रही हूँ आपको कोफ्ते बनाना, और बहुत ही कम मसालों के साथ। ये आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। कोफ्ते हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, अब हम इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब कोफ्तों में ऐड कर दिया है मैंने पानी। अब हम इसको पानी डालकर अच्छे से पका लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं हमारे कोफ्ते। पानी थोड़ा एब्जॉर्ब हो चुका है और गोश्त भी गल गया है। हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। अब हम इसको फाइनल टच देंगे और अब ऐड करेंगे हम इसमें ऊपर से कसूरी मेथी, और 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें भुना जीरा, जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। और देखिए साइडों को तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमारे कोफ्ते एकदम बनकर रेडी हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप इन कोफ्तों को कोई भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी या फिर घर की बनी हुई रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आपको सबको बहुत पसंद आएंगे। आप मेरे मेथड से एक बार कोफ्ता रेसिपी बनाकर ज़रूर देखें। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में। वाओ, क्या परफेक्ट बनकर रेडी हुए हमारे कोफ्ते। एक भी नहीं टूटा है और ना ही बिखरा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं। और अब हम इनको कर लेते हैं सर्व। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और इजी होगी। तब तक के लिए बाय।